हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगर के बारे में। मेगर हमारा क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट के कैंडिडेट हैं, वो अगर किसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो उनको मेगर यूज करने आना चाहिए। अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर किसी एग्जाम के ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट में जाते हैं, तो उनको भी मेगर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये हर एक स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो भी है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हों या इंस्ट्रूमेंट के कैंडिडेट हों, उनसे ज़रूर पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रेंड। तो हमारा जो मेगर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, हमारा जो मेगर है ये एनालॉग मेगर है। एक हमारा एक होता है, जैसे मेगर हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। तभी हमारा जो है ये एनालॉग है। एनालॉग हमारा बहुत पहले से यूज होता आता है, अभी आज के डेट में डिजिटल मेगर आने लगे हैं। डिजिटल का जो होता है, फंक्शन बहुत ईजी होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस जैसे इसकी आप प्रोब देख रहे हैं, उसमें भी इसी तरह दो प्रोब होता है। आप प्रोब को मोटर या इंसुलेशन टेस्ट करना है केबल का, तो उस पर लगाइए और वहाँ पर एक बटन होगा, उस बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो शो करेगा। लेकिन एनालॉग मेगर में क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे साइड में आप एक हैंडल देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको मूव करना पड़ता है। जैसे आप मूव करेंगे तो यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट होगा और जो भी रेजिस्टेंस है, या मोटर या केबल का इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो ये 0 से लेकर 200 मेगा ओम तक का ये रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, मतलब ये इंसुलेशन बता सकता है। तो इसमें फ्रेंड, सबसे मेगर यूज करने से पहले, चाहे आप डिजिटल मेगर यूज कर रहे हो या एनालॉग मेगर यूज कर रहे हैं, इसमें एक सेफ्टी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में अगर आप जाएंगे तो जरूर पूछा जाता है कि कभी भी इसका जो ये दो प्रोब है, ये लीड आई रहती है, इसको आप हाथ से टच ना करें। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो मेगर है, यहाँ पर 1000 वोल्ट और 500 वोल्ट, यहाँ पर एक स्विच है। अगर आप 500 पे करेंगे तो 500 वोल्टेज जनरेट करेगा, 1000 पे करेंगे तो 1000 वोल्टेज जनरेट करेगा। मतलब जो भी हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं वो इतना वोल्टेज जनरेट करता है। जैसे कि अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक मल्टीमीटर है, यहाँ पर ये डीसी वोल्टेज 500 डीसी वोल्टेज जनरेट करेगा। तो इसीलिए ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है कि हम मेगर यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको इस जो प्रोब है, इसको हाथ से टच नहीं करना चाहिए। कभी भी जब हमारा ये हैंडल आप घुमा रहे हों, या चाहे जो पुश बटन है अगर डिजिटल में उसको प्रेस कर रहे हो, तो ये आपके बॉडी में या हाथ में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको 500 वोल्टेज डीसी का झटका लग सकता है। मेगर को यूज़ करने के पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 500 वोल्टेज तक जनरेट होता है, तो इसको टेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम मेगर को चेक करेंगे कि हमारा मेगर सही है कि नहीं। तो जैसे कि अभी दो प्रोब है, आप इसको आपस में ऐसे टच करिए और आप इधर पीछे देख सकते हैं जो हैंडल है, मैंने आपको भी दिखाया है, इसको एक बार आप घुमाएँगे हाथ से तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो इसका रेजिस्टेंस है वो 0 है, यानी हमारा मेगर ये काम कर रहा है। अब इसका हम वोल्टेज आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है फ्लूक का, इसको हमने यहाँ पर ये जो प्रोब है इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं इसको हैंड से अपने घुमाऊँगा तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 400-500 के करीब वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वो भी ये डीसी है फ्रेंड। डीसी वोल्टेज काफ़ी डेंजरस होता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रिकॉशन जरूर रखना चाहिए कि प्रोब आपके हाथ से टच ना हो, नहीं तो आपको इतना झटका लग सकता है। तो फ्रेंड, अभी हम मेगर के बारे में आपका बेसिक चीज़ बता दिया। मेगर जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। तो हमें जिस भी मोटर का अगर इंसुलेशन चेक करना है, उसका ग्राउंडिंग है कि नहीं, बॉडी के साथ ग्राउंड है कि नहीं, वो सब चेक करना है, तो सबसे पहले जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पर आप अर्थ पे एक वायर कनेक्ट करेंगे, एक दूसरा लाइन पे कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा ये प्रोब है, ये मोटर का जो बॉडी है एक उस पर कर देंगे, और जो अब मोटर का जो वाइंडिंग टर्मिनल है, जो 6 टर्मिनल रहता है, उस पर 1x1 आप टच करेंगे, और इधर से जो हैंडल है अब उसको घुमाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रजिस्टेंस आएगा। वो जितना अधिक रहे, जैसे आप देख सकते हैं 100, 50, 200 मेगा ओम, जितना अधिक से अधिक रेजिस्टेंस मिलेगा वो मोटर उतना ही अच्छा है, वो मतलब कहीं से उसका बॉडी के साथ वो ग्राउंडिंग नहीं है। इसी तरह आप 6 टर्मिनल पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही केबल का इंसुलेशन टेस्ट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक केबल है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे फ्रेंड, हमारा हाई टेंशन लाइन है, 11000 वोल्टेज है, 440 वोल्टेज का जो लाइन यूज होता है केबल, तो वहाँ क्या होता है, अगर केबल पुराना रहता है, कभी अंदर कट जाता है, चाहे मॉइस्चर को जैसे किसी वजह से, तो वो अंदर स्पार्क करके आग लगने की संभावना होती है। इसीलिए हम टाइम टाइम पर केबल का इंसुलेशन, जो भी हमारा एसटी लाइन है, जहाँ 440 वोल्टेज सुपर है,
वहाँ पर हम हमेशा इंसुलेशन मतलब एक शेड्यूल के अनुसार अपना इंसुलेशन चेक करते रहते हैं कि वो प्रॉपर इंसुलेटेड है कि नहीं, क्योंकि अगर वो हम नहीं चेक करेंगे तो अंदर अगर कभी केबल मॉइस्चर होने की वजह से या चाहे किसी वजह से अगर वो अंदर स्पार्क करके वो आग भी लग सकता है। तो इसलिए हमारा जो थ्री फेज केबल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने केबल लिया है, इसको हम चेक करेंगे। ये हमारा थ्री फेज मान लीजिए RYB, इसमें हमारा एक अर्थिंग है। इसके साथ ही अगर हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा ये इंसुलेटेड है कि नहीं, तो ये अधिक से अधिक आना चाहिए। जैसे हम यहाँ किसी एक भी टर्मिनल पे इसको हम लगाएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे लगाया है, अब हमें इस ग्राउंड वाला जो अर्थिंग वाला वायर है इस पर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अपने एक यहाँ पर अपने फेज और एक अर्थिंग पर लगाया है। अगर इस केबल में कहीं बीच में कुछ, ये जो हमारा केबल है ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए, अगर बीच में कहीं भी अगर ये ओपन हो गया चाहे कुछ शॉर्ट होगा तो यहाँ पर ये कुछ मतलब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी हम इसको देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे 200 मेगाओम एकदम पूरा ओपन बता रहा है, मतलब ये इसका इंसुलेशन सही है। तो इस तरह हम अपने केबल का इंसुलेशन भी चेक करते हैं। तो फ्रेंड, इस मेगर से हमने आपको मोटर कैसे चेक करना वो भी बताया, और केबल का इंसुलेशन कैसे चेक करेंगे वो भी बता दिया, और इसके साथ ही इससे हम अर्थपीट का रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं, वो अभी हम आपको बाद में कभी दिखा देंगे प्रैक्टिकली करके। लेकिन आपको मेजर बता देते हैं इससे, उसमें भी फ्रेंड हमारा जो अर्थपीट का वायर आएगा, यहाँ एक वायर हम अर्थपीट पे कनेक्ट करेंगे, उसका एक वायर यहाँ पे लाके कनेक्ट करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास अर्थिंग राड होता है, दो अर्थिंग राड, उसको हम अपने अर्थपीट से लगभग 10 मीटर की दूरी पे और एक राड वहाँ पर ज़मीन में डिप करेंगे। फिर उसके अलावा जो हमारा दूसरा राड है उसके अपोजिट लगभग 5 मीटर का डिफरेंस रख के दूसरा राड को वहाँ पर पे ज़मीन में उसको हम डिप करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से वायर ला के यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम पीछे से जो आपका हैंडल है वो घुमाएंगे तो यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस शो करेगा। उसके लिए फ्रेंड ज़्यादातर अर्थपीट का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए अर्थ चेकर आता है, उसमें वो डिजिटल वाले में ज़्यादा सही दिखाता है। तो आप इसका यूज ज़्यादातर इंसुलेशन और मोटर का ग्राउंडिंग चेक करने के लिए करें। अगर अर्थपीट का रेजिस्टेंस चेक करना है तो उसके लिए जो डिजिटल वाला मेगर है उसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रेजिस्टेंस मिलेगा। तो फ्रेंड, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।